सो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट पीस पुलाव, पीस और काजू का पुलाव। और ये यकीन मानिए, ये सीरियसली 5 से 10 मिनट में बन जाता है। और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही बेसिक है, समथिंग वेरी सूदिंग एंड सेटिस्फाइंग एज वेल। सो पीछे मैंने कुकर ऑन किया है और कुकर में लिया है मैंने लगभग 1 से 2 चम्मच घी। आप इसको घी में ही बनाइए। और मैंने लिया है यहाँ पे साबुत जीरा। तो ऑलरेडी मेरा घी गर्म हो चुका है। लेट मी मेक श्योर इट क्रैक्स अप। सो माई जीरा इज क्रैकिंग अप। नाउ वील एड 2 तेज पत्ता। और मैंने जो होल स्पाइसेस है उसमें ली है जरा सी दालचीनी, लौंग ली है, और बड़ी इलायची और काली मिर्च, बस जरा जरा सी लीजिए आप। ओके, आई एम गोइंग टू पुट दिस। और मैंने काजू को क्या किया है, काजू के मैंने 2 हाफ्स कर लिए हैं लाइक दिस, और 2 हरी मिर्च ली है। बस हम ये भी डाल देंगे। लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वेरी क्विक रेसिपी। और हम कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में तो हर चीज बहुत जल्दी बनती बहुत है। बहुत जल्दी, बस हल्का सुनहरा रंग काजू पे तुरंत आ जाएगा, कुछ सेकंड में ही आ जाएगा ये। ओके, और साइड में मैंने क्या किया है कि फ्रोजन पीस भी निकाल के रखे हैं। So let's wait for like a few seconds. तो गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। हाँ, ये देखिए, हमें कहा था लेस देन 30 सेकंड्स के अंदर। हाँ, लेस देन 30। इसको आपको ज्यादा भूनना नहीं है। आप देखिए ये रंग है। अब इसी में मैं अपने पीस डाल दूंगी। और सिर्फ नमक रहेगा इसमें और कुछ भी नहीं। तो बस पीस को मैं 1 मिनट तक भूनती हूँ। और तब तक मैंने बासमती चावल 1 कप ऑलरेडी गर्म पानी में भिगो के रख लिया है 15 मिनट के लिए बनाने से पहले। सो वील जस्ट लेट इट कुक फॉर अबाउट अ मिनट और सो। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, जितना आपको अपने पुलाव में चाहिए उतना आप नमक डाल दीजिए। और ये जो पानी के साथ राइस है, आई विल पुट एवरीथिंग टुगेदर, नो नीड टू वेट फॉर एनीथिंग। ये बहुत ही क्विक बनेगा। अगेन एम्फेसिस कर रहे हैं कि आप इसको कुकर में भी उतना ही है फरफरा या बोलते हैं हाँ। मतलब चिपचिपा नहीं बनेगा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। लेकिन आपको पानी भी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। Exactly. आप राइस और डाल कुक भी आपको ओवर कुक या अंडर कुक नहीं करना है। तो मैंने जितना राइस लिया था लगभग उतना ही वाटर लिया है, लेकिन जरा सा पानी मैंने ज्यादा रखा है बिकॉज वी एटलीस्ट लाइक इट टू बी फुली कुक। अब इसको हम क्या करेंगे, इट इज ऑल सेट। अब बस मैं इसको गर्म होने का वेट करूंगी फुल आंच पे, और हम इसे बंद करके पकाएंगे। 2-3 सीटी या एक? हाँ, मैक्सिमम 1 सीटी, 1 to 2 विसल्स, दैट्स इट। हाई पे बनाएंगे हम या मीडियम हाई पे आप कर सकते हैं। और जैसे ही मेरी 2 सीटियां आएंगी, वी विल स्विच इट ऑफ एंड वी विल लेट द विसल कम आउट नेचुरली। घड़ी के हिसाब से एग्जैक्टली 5 मिनट में हमारी सीटी आ चुकी है और हमने इसको 2-3 मिनट ठंडा होने दिया है। तो देखिए, आपके सामने एज ए प्रूफ हम खोल रहे हैं। तो हाँ, ये हमारे पुलाव का प्रूफ है। अच्छा, मैं इसे हल्के हाथों से, जो लोग सेंसिटिव हैं उन्हीं को आप दीजिए। और मैं इसको हल्का सा हमेशा चला देती हूँ। आप यू कैन सी द बॉटम ऑल्सो, बिल्कुल नहीं चिपका है मेरा राइस। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपने कढ़ाई में पुलाव बनाया। कढ़ाई में, और वो जो स्टार्च निकालते हैं, यू नो यू हैव टू फॉलो बिग प्रोसेस टू मेक इट नॉन स्टिकी। बट आई विल शो यू, सी मैं ऐसे हल्के हाथों से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। दाना दाना मतलब उसका, हाँ, दाना दाना खिला हुआ है। And you are seeing it, I wish it was a live show. You can see कि हर एक दाना खिला हुआ है, चिपचिपा नहीं है, and I'm serving it live. क्योंकि आप स्टीम जो आ रही है उससे देख सकते हैं। जितना आप राइस को छोड़ेंगे ये और भी ज्यादा नॉन स्टिकी हो जाएगा। बट इवन वेन इट इज स्टीमिंग हॉट, इट इज वेरी वेरी नॉन स्टिकी। सो ट्राई दिस बेसिक पीस पुलाव या काजू का पुलाव अपने घर पे। कोई भी नूडल्स या कप नूडल्स के ऑप्शन से इट इज अ मच मोर हेल्दियर वर्जन, क्विकर एज वेल, क्विकर हेल्दियर वन पॉट रेसिपी, डेफिनेटली टेस्टियर, डेफिनेटली टेस्टी। एंड लेट अस नो योर व्यूज एंड योर कॉमेंट्स, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।